राष्ट्रीय का पर्व कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। आज हम महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। यह मंदिर अति प्राचीन है और इस मंदिर के बारे में मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। यह मंदिर मूलतः जैन में महाकालेश्वर मंदिर से अभिप्रेत होकर बनाया गया है। आइए हम मंदिर के ट्रस्टी एवं पंडित जी पुरुषोत्तम से बात करते हैं, बताएं कैसे मंदिर बना है, कैसे बना है, किन स्थिति में बना है और क्या क्या सेवाएं हो रही हैं। ये स्वयं मूर्ति है, इसका मुझे जीर्णोद्धार हम 98 अगस्त 98 का प्रारंभ हुआ था शिलान्यास। इसका मना हर 8 अगस्त का शिला महोत्सव मनाया जाता है और ये हमारे यहाँ एक मेंबर से 100 रुपये लेते हैं। इस तरह से हमारे 6000 मेंबर हैं जो 100 रुपये महार से मतलब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका 6 मई 11 को इसका मतलब जो है वो कल का मतलब फैसल हुआ और दक्षचंडी यज्ञ मतलब वो करके उसका अभी शिवरात्रि पर इसका मतलब जो है वो चारों पैर का मतलब जो अभिषेक होगा क्या और रुद्र पाठ मतलब जो होगा भजन संध्या मतलब भजन वगैरह उन्होंने महिलाएं और सभी सभी भाग लेंगे। यहाँ काफ़ी मतलब लोग दर्शनार्थ आते हैं। ये राजस्थान में एक ही प्रकार मंदिर है जो कि सार्वजनिक रूप से और पब्लिक ने मतलब इसको रूप एक माह से बनाया गया है। आगे इसका मतलब बहुत ही पर्यटक और मतलब दर्शनीय स्थानों में इसका मतलब जो है सेंटर में जितना मतलब जो है वो कार्य चल रहा है सेंटर से हम बनाएंगे। और ध्वजारोहण प्रसाद और ये मतलब जो है वो इसका मतलब जो है शिवरात्रि को दूसरे दिन प्रातःकाल इसका मतलब ध्वजारोहण किया जाएगा। आदिदेव शिव के बारे में कहा जाता है कि वे हर व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये सिद्ध पीठ है जिसमें मतलब जो है जो भी मतलब जो है अपनी भावना और अपनी धारणा लेकर के आता है वो यहाँ पर पूरी होती है। इसमें कितने ही अभिषेक हो चुके हैं और मतलब जो है यहाँ हर बार मतलब जो है प्रतिदिन मतलब जो है वो हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं जो कि मतलब चर्च की ओर से मुक्त हैं। वो जो जो मतलब 100 रुपये सदस्य जो देता है उनकी जन्मोदय पर उसका नाम से अभिषेक होता है और उनके शादी की मतलब सालगिरह पर भी मतलब अभिषेक किया जाता है। 8 अगस्त को अपना मतलब जो है महाप्रसाद होता है, उसके अंदर मतलब जो है वो परिवार को जो कि मतलब 100 रुपये देता है उनके परिवार को यहाँ महाप्रसाद के लिए मतलब इन्वाइट किया जाता है। इस तरह से मतलब साल में 8-10 हज़ार आदमी महाप्रसाद होता है। वो सब जो है आम पब्लिक और मतलब जो है पब्लिक मिल करके और सहयोग करके और ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। एक बात आप बताइए कि जो 100 रुपये देकर के सदस्य बनता है या जनजीवन की नियुक्त कराता है दर्ज कराता है उसे हर वर्ष 100 रुपये देने होते हैं या सिर्फ एक ही बार? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ 100 रुपये महा से 3 साल के लिए या कई ऐसे भी हैं जो आजीवन मतलब भी बनते हैं तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। वो 100 रुपये में से मतलब जो है ये भावना है उसमें मतलब जो है कोई 1000 रुपये भी मैं चाहे वो एक बात चले लेकिन 100 रुपये एक भावना है कि जिससे मतलब वो फूल नहीं फूल की पकड़ी के रूप में वो अपनी भेंट करते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला बड़ी अच्छी है और पुरातन मंदिर से मिलती हुई है, कौन से वास्तुकार कार्य को करवा रहे हैं? इसमें एक मतलब जो है वो हेमराज मतलब शिल्पकार हैं जो उदयपुर के रहने वाले हैं। उनकी देख रेख में उनके नक्शों को द्वारा ये मतलब बनाया जा रहा है। इसका पेटेंट उज्जैन के महाकालेश्वर के समकक्ष इसको मतलब बनाया जा रहा है और यहाँ ये जो मतलब बन रहा है उसमें वास्तुकला का मतलब बहुत ही नवीन रूप से एक तरह से वास्तुकला है। जैसे इसमें अभी बहुत काम बाकी है, इसका कार्य मतलब बाकी है, इसके प्रोजेक्ट चल रहा है अभी इतना कम से कम 5 साल का ये प्रोजेक्ट है कि 5 साल में ये पूर्ण होने की
व्याख्या है। धन्यवाद।